की जय, भारत माता की जय, डीआरओ की जय, डीआरओ की जय, डीआरओ की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय। मेरा लास्ट वीडियो में भी आप सबको कुमसिंग वाला वीडियो में बताया है संगम वैली ब्रिज का बारे में, बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है बोल के, इनॉग्रेशन होने जा रहा है। उसका इनॉग्रेशन हम लोग का ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अभी देखा है तो पांगिन को जो है सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक टूरिज्म सेंटर में सेटअप करने के लिए ये थोड़ा प्रिपरेशन जैसे लगता है मेरा ख्याल से। इतना अच्छा से रास्ता सबको भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आलम और ये बोलेंगे क्यों, और मेरा साथ में जेरंग अविंग। इसमें भी तारकोल नहीं किया है, पूरा वृक्ष से किया है। ये जितना कलवर्ट है ड्रेनेज है इसको भी डायरेक्ट बना के यहाँ में डाला वाला है जेसीपी से। यहाँ जैसे वॉल का डिजाइन है बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किया है, और रास्ता को भी आप लोग देख सकते हैं। अभी जाके आप सबको इनॉग्रेशन होने के बाद में ब्रिज को भी पूरा डिटेल में देखेगा। वहाँ में हाई सिक्योरिटी बहुत टाइट है सिक्योरिटी जो है, ऐसे हम लोग को तो उसमें एंट्री पास मिलेगा नहीं। और यहाँ में नुगोंग ब्रिज भी जस्ट आधा किलोमीटर में सियांग रिवर का ऊपर में बनाया, स्टील सस्पेंशन ब्रिज, और संगम ब्रिज वैली ब्रिज हो गया, और सियांग और सियोंग का जंक्शन भी कॉन्फ्लुएंस भी यहाँ यही में है, और ऑरेंज भी यहाँ में ज़्यादा है। और जितना हम लोग का आदि एरिया का हिस्टोरिकल प्लेस है विद इन पांगिन केबांग सर्कल में ही है, तो हम यहाँ का पब्लिक को ये बोलता है। अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हम लोग को इतना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो अपना अपना एरिया में डेवलप करिए। जैसे जीरो में आप लोग देखिए, और रोइंग में देखिए, दम्बुक में देखिए, और मेचुका में कॉमन पब्लिक लोग खेती से आप कितना कमाएगा, एक लॉस कॉल के रिसोर्ट कॉल के जितना एक रिसोर्ट में जितना कमाई होता है आपका 20 पूरा ज़मीन में भी इतना कमाई नहीं होगा। तो हम लोग भी उसमें अभी टूरिज्म में फोकस करना है, और टूरिज्म को हम लोग फोकस करने के लिए जो है हम लोग का थोड़ा बोलने का तरीका, हॉस्पिटलिटी, ये सब में भी हम लोग को सीखना चाहिए अभी है। और यहाँ का रास्ता का थोड़ा फिर देखिए, और आज का बोलने के लिए भूल ही गया, सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। मेरा न्यू ईयर का ब्लॉग नहीं बना है, ऐसे में अपना पर्सनल लाइफ का कभी ब्लॉग नहीं बनाता है, रियल इश्यूज़ का ही बनाता है, और जब जब हमारा सोसाइटी में ज़रूरत होता है वही चीज़ का ही मैं वीडियो बनाता है। तो आज का भी हम लोग का सोसाइटी के लिए और पूरा होल नेशन के लिए और डिफेंस के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है कि इतना वैली ब्रिज जो है बना है, और हम लोग के लिए भी, और स्पेशली हम पांगिन वालों के लिए तो ये बहुत खुशी का बात है। आज का बात टूरिज्म में हम लोग को फोकस करना चाहिए। जो अभी तक मेरा YouTube चैनल तसंग पानोर को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं एक्चुअली रियलिटी चीज़ का ही कवरेज करता है, और टूरिज्म को जितना सकता है अपना एरिया का प्रमोट करने के लिए, और जितना भी आउटसाइड ऑफआवर स्टेट और नेशनल से जो बाहर है, और नेशनल में अगर घूमना चाहता है तो आप जैसे आप लोग को तो मालूम है रोइंग, दम्बू और मेचुका। तो अभी फिलहाल अभी नया नया पांगिन भी हो गया, तो आप लोग पांगिन में भी ज़रूर आइए। आइए बिल्कुल।
यहाँ से व्यू पॉइंट वो अभी का नया वैली ब्रिज अभी पास में जाके भी देखेगा आप सबको। और यहाँ में छोटा छोटा झरना भी बहुत है। एक्चुअली ये वाटरफॉल बोलने के लिए तो नहीं है, लेकिन बोला जाएगा तो वाटरफॉल ही है। यहाँ में ऐसे बहुत है। लाइब्रेरीज ये भी कुछ महीना पहले इनॉग्रेट हुआ था। इसे भी हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ही इनॉग्रेट किया था। ये ब्रिज को भी लाइव ठीक हो तो अभी दिल्ली ब्रिज का पास में आ गया। अभी देखते हैं फिलहाल एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंट्री मिलने से जाएगा। बहुत टाइट सिक्योरिटी है। हमारा डीसीसी अंका गाड़ी भी यहीं पे पार्क है। सर यहाँ से तो आगे एंट्री नहीं मिलेगा ना? हो जाएगा यही से देखिए। लोकल न्यूज़ लोकल यूट्यूब चैनल यहाँ का लोकल यूट्यूब चैनल यूट्यूबर यूट्यूबर लास्ट टाइम इस ये ब्रिज का भी मैं बनाया था। आपका खुद बनाते हो? अपना ही बनाता है। सबसे बड़ी बात है कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीआरओ की जय। बीआरओ की जय। बीआरओ की जय। भारतीय सेना की जय। भारतीय सेना की जय। भारतीय सेना की जय। भारत माता की जय। अभी मैं आप सबको बेली ब्रिज का अभी डिटेल में देखेंगे। देखो ना ऐसे
ब्रिज आप सब देख ही सकते हैं, बहुत मजबूत से बना है। सियांगरीबा और वो सियांगरीबा सार लोग तो आने के लिए बनते हैं मेन। यहाँ से दिल्ली ब्रिज का फुल व्यू, वो सियोम रिवर, सर थोड़ा इस तरफ आइए ऐसे लाइट। हाँ अभी बहुत क्लियर से देखिए। पीआरओ टीम रियली ग्रेट डे, ग्रेट डे फॉर देम। आज का बात इसी बेली ब्रिज से जो है हम सब आना जाना शुरू करेगा, और स्पेशली मैं पंगन सर्कल का जितना भी कॉमन पब्लिक है आप सब से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता है। अभी यहाँ में मैं जैसे देखा है टूरिज्म को सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से पब्लिक के लिए भी और प्रमोट आप लोग अच्छा से करना चाहिए, जितना सकता है रिसोर्ट बनाना है, होम स्टे वगैरह जितना सकता है बनाना है, और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता है बीआरओ टीम को सपोर्ट करें, इंडियन आर्मी को सपोर्ट कीजिए। और सेकने से हमारा पासीघाट पंगन रोड भी इतना ब्लॉक होता है, उस रोड को भी एक्चुअली वो रोड जो है डिफेंस रोड है, रोड को भी बीआरओ को देने से ठीक है, ये मेरा मतलब मानना है। जैसे कि एक छोटा सा ब्लॉक पॉइंट के लिए दो तीन साल लगा देता है, लेकिन बीआरओ में देखिए आप एक साल का अंदर में एक केबल ब्रिज और एक बेली ब्रिज विद इन वन ईयर्स में कंप्लीट कर सका है। तो इसलिए पंगन पासीघाट रोड को भी जो है बीआरओ को ही मैं हम तो ऐसे सोचते हैं देने से ठीक है बोल के। और
आज का कवरेज जो है इतना ही होगा। आप सबसे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत।